सावरे जिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिमल और मनीषा के बारे में, जो इन्होंने 14 साल की उम्र में शादी कर ली। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजू चौहान और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिमल का जन्म 2006 को जमशेदपुर झारखंड के एक छोटे से गांव में हुआ और ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहीं मनीषा का जन्म 2007 को उसी गांव में हुआ। ये दोनों अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट कर रहे हैं। सिमल की फैमिली में इनकी माँ और एक बहन है। वहीं मनीषा की फैमिली में भी इनकी माँ और एक बहन है। अब जान लेते हैं इनकी शादी के बारे में। अगर आप इन दोनों का सच जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की रियल में शादी हुई ही नहीं है। इन्होंने अपने आप को फेमस करने के लिए ये शादी का नाटक किया, खुद ही शादी की फेक वीडियो बनाई और YouTube पर अपलोड कर दी। ऐसा इन दोनों ने खुद ही वीडियो में बताया है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इनकी कोई शादी नहीं हुई है। शादी वाली वीडियो उन्होंने फेक बनाई थी और उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। आप पूरा सच देख सकते हैं। नहीं हुआ, जो वीडियो था वो एक फेक वीडियो था हम लोग का। तो बस मैं यही चाह रहा हूँ कि हम लोग का जैसा कोई भी बच्चा बिल्कुल ना करे। ये वीडियो सिमल ने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की और इन दोनों ने अपने आप को फेमस करने के लिए ये शादी और प्यार का नाटक किया। इनकी इंस्टाग्राम पर 120K के फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इनका यूट्यूब चैनल सिमल हिंदी के नेम से है। इनके यूट्यूब चैनल पर 78K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो दोस्तों, सिमल और मनीषा ने ये सब ठीक किया या गलत, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दुनिया में हंसी और भी है।